Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D. Commerce classes. Now, today we are going to discuss our next topic, which is types of quasi contract, या फिर हम बोल सकते हैं essential features of quasi contract. ठीक है, जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ पे types of quasi contract करके दिया था, but आप इनको essential features भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो किस किस particular field में ये हमारा quasi contract applicable होता है या क्या क्या ऐसी situations होती हैं जहाँ पे quasi contract को हम apply कर सकते हैं. ठीक है, तो जहाँ से मैंने पढ़ा था वो भी एक authentic book थी, तो उस according मैं यहाँ पे types of quasi contract ही लिखती हूँ. ठीक है, टाइप्स ऑफ quasi कॉन्ट्रैक्ट मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो ऐसे कॉपी में करके पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए और समझने में भी ऐसे थ्योरी के फॉर्म में, फिर आपको समझने में भी प्रॉब्लम शायद हो ऐसे थ्योरी के फॉर्म में. एग्जांपल से मैं समझा दूँगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो नंबर वन इसमें हम पढ़ते हैं क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई. ठीक है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई, ये हमारा सेक्शन 68 में दिया हुआ है. सेक्शन तो आपसे एनटीए नेट में नहीं पूछेगा, बट अगर आप बीकॉम एमकॉम या ऐसे कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ऐसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आप थ्योरी के फॉर्म में आप लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपसे सेक्शन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैं सबको कवर कर रही हूँ, बट मेन फोकस हमारा ऐसे एनटीए नेट के एग्ज़ाम पे भी है, तो उसके पर्सपेक्टिव में भी मैं बताते चल रही हूँ कि कहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक, अब इसमें ए ने क्या किया, बी की वाइफ और चिल्ड्रेन को क्या सप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल नेसेसरी सप्लाई के. देखो, नेसेसरी में जीवन जीने के लिए आवश्यकता वाली चीज़ें, मतलब खाना या कोई भी एसेसरी बिलोंगिंग्स हैं, कोई भी चीज़ें जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हो वो हमारी नेसेसरीज में आती हैं. ठीक है, अब यहाँ बी फॉर एग्ज़ाम्पल लुनेटिक है. ठीक है, प्रॉपर माइंड का नहीं है, अनसेन माइंड का इसे बोल सकते हैं, है ना, अनसेन माइंड का बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब ए सप्लाई करता जा रहा करता जा रहा करता जा रहा, अब वो अपनी प्रॉपर्टी से तो कब तक सप्लाई करेगा, बहुत लंबे समय तक तो वो सप्लाई कर नहीं सकता, है ना. तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, वो कहाँ से रिकवर करेगा, वो ए कहाँ से रिकवर करेगा, ए रिकवर करेगा या फिर रिम्बर्स करेगा, ए रिकवर करेगा या रिम्बर्स करेगा, कहाँ से रिम्बर्स करेगा, फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी से. ठीक है, बस इतना ही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. ए ने अगर कोई चीज़ सप्लाई की है किसी की बीवी या बच्चों को, वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, तो वो इसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेगा. ठीक, नंबर वन क्लियर हो गया. नंबर टू है हमारा सेक्शन 69 में पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन. ठीक है, ये होता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. देखो, एक बात ये भी होती है, यहाँ पे जो सेक्शन होते हैं ना ये सीक्वेंस में चलते रहते हैं, सेक्शन 68 है, फिर 9 आएगा, फिर 70 आएगा, ऐसे अगर पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो इसमें इसके सेक्शन चलते रहेंगे. ठीक है, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक्स गुड्स वर रॉन्गफुली अटैच्ड इन ऑर्डर टू रियलाइज, इन ऑर्डर टू रियलाइज एरियर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक है, ड्यू बाय वाई. ठीक, तो अगर एक्स ने रॉन्गफुली एक्स गुड्स वर रॉन्गफुली, एक्स के गुड रॉन्गफुली अटैच्ड हो गए हैं क्या रियलाइज़ करने के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू जो कि किस पे ड्यू था, वाई पे ड्यू था. ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, अब ये सिचुएशन हो गई, एक्स ने क्या किया, एक्स पेज द अमाउंट. अब एक्स का था नहीं वो, बट एक्स ने क्या किया, एक्स ने अमाउंट पे कर दी पूरी, क्या करने के लिए, सेव करने के लिए. क्या सेव करने के लिए, अपने गुड्स को,
किससे सेव करने के लिए कि उसके गुड सेव हो जाएं और बिक्री हो जाए, सेल हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो एक्स इंटाइटल्ड क्या है, मनी किससे रिकवर कर, तो इस सिचुएशन में एक्स इज़ इंटाइटल्ड, कहाँ से इंटाइटल्ड है, टू रिकवर मनी फ्रॉम, मनी फ्रॉम वाई। अब यहाँ पे ये है एक्स की सिचुएशन थी, तो इसमें ये बताया है एक्स ने अगर होल अमाउंट पे कर दी है, होल अमाउंट पे कर दी है तो वो रिकवर कर लेगा किससे, वाई से रिकवर कर लेगा, ठीक है। एक्स रिकवर कर लेगा, ये रिकवर कर लेगा, ठीक है। एक्स किससे रिकवर कर लेगा, इन इन इसकी इसके कुछ गुड्स थे तो ये रिकवर करके वाई से ये रिकवर कर लेगा, ठीक। अब ये सिचुएशन ये मैंने बना दिए पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स ने कुछ गलती से या कुछ ऐसा हुआ होगा, इसमें इन्होंने अमाउंट पे कर दी है, ठीक है। वो ड्यू थी, वही सिचुएशन है, ड्यू थी वाई के ऊपर, वो ड्यू थी वाई के ऊपर, ड्यू थी वाई के ऊपर, इन्होंने पेमेंट कर दी है, ठीक है। वाई की थी, वाई को देना था, इन्होंने दे दिया 1000 रुपये, तो ये किससे रिकवर कर सकते हैं, ये इनसे रिकवर कर सकते हैं, ये इन्हें दे देंगे 1000 रुपये, है ना। तो ये सिचुएशन आ गई पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन में, ठीक है। नंबर थर्ड सेक्शन 69 पढ़ लिया, 70 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, ठीक है। ये सेक्शन हमारा 70 में दिया गया है। अब इसमें ये है, इसको पहले एक नॉर्मल एग्जांपल से हम समझते हैं। नॉर्मल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल पड़ोसी के घर में आग लग गई, आपको पता चला, आप गए, आपने पानी से बुझाने की कोशिश की, आपने हेल्प की, ठीक है। अब जब पानी उसके सामान को बचाया, आग बुझाई, तो उसका सामान प्रॉपर्टी सब कुछ बचा, ठीक। अब क्या होगा जब आग बुझ जाएगी, तो आप ये तो नहीं है कि आप उस पर ज़बरदस्ती जोर दबाव डालेंगे कि नहीं नहीं आप मैंने बचाया है आपकी प्रॉपर्टी को, तो आप मुझे फीस दो, आप मुझे चार्ज दो, आप मुझे पैसे दो, ऐसा आप नहीं कह सकते, हाँ, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ नहीं कह सकते, या तो पड़ोसी ने उसके घर में आग लगी, उसने आवाज़ दे के पुकारा हो बहुत, है ना, फिर कहा हो कि आप मेरे हेल्प कर दीजिए, फिर मैं आपको इतना शेयर दूंगी, पर्टिकुलर मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो कि मैं इतने रुपए आपको दूंगी, ठीक, तब तो वो ग्रेशियस हुआ, तब तो आप ले सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से, आप उससे मांग सकते हो, आप हकदार हो। अगर जब नहीं कहा गया है तो ये नॉन ग्रेशियस होगा, उसमें आपका कोई हकदार आप नहीं हो, ठीक है, आप कोई ज़ोर दबाव नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अब वही हम ले सकते हैं, ए ने क्या किया, बी की प्रॉपर्टी को सेव किया, है ना, क्या किया, सेव किया, ठीक, किससे, आग लगने से, फ्रॉम फायर, फायर से इन्होंने सेव किया बी की प्रॉपर्टी को फायर से बचाया। अब जब आग बुझी तो ये ए हैं, ये इनके पास पहुँचे, इनसे बोले कि आप मुझे पैसे दो, ठीक है, अब मैंने आपकी प्रॉपर्टी को सेव किया है, तो ये यहाँ पे नॉन ग्रेशियस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन ग्रेशियस हुआ, जब तक कि टर्म्स एंड कंडीशन जस्टिफाई ना कर दें कि ये हमारा ग्रेशियस है, तब तक ये हमारा नॉन ग्रेशियस हुआ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब दो पॉइंट हैं, वो बहुत सिंपल से हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं है। सेक्शन 70 तक पढ़ लिया था, 72 तक हैं इसमें। 71 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 71 में दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का कोई सामान खो जाता है, ठीक है, ए का कोई सामान खो जाता है, वो बी को मिलता है, ठीक है, उस सामान में कुछ ऐसी चीज़ हो जो वो जस्टिफाई करे कि ये सामान ए का ही है, ये सामान इनका खो गया, कुछ भी है, ए का था, ये किसको मिला, ये मिला बी को, बट ये दर्शा रहा है, ये शो कर रहा है कि ये सामान किसका है, ए का है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये इनका ये जो सामान है इन्होंने अपने पास रख इन मतलब इन्हें मिला है ये इन्हें वापस कर दें, ठीक है। तो ये यही हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली हमने पढ़ा था, ठीक। अब सेक्शन 72 और पढ़ना है, मनी पेड ऑन थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। कोअर्शन का पूरा एक टॉपिक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है। जिसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे विज़िट करिएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने सबकी एक एक टॉपिक को उठा के डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के लिए पढ़ा रही हूँ तो बाकी अदर दूसरे स्टूडेंट्स को मैं निगलेक्ट कर रही हूँ, सबको साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें है मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने कुछ सामान मंगवाया था, ठीक है, स्नैपडील से, ठीक है, इन्होंने स्नैपडील से सामान कोई मंगवाया, ठीक। अब ये स्नैपडील से बोल दें या कहीं से भी, यहाँ पे स्नैपडील नहीं, चलो कहीं से भी इन्होंने एक सामान मंगाया था, ठीक। वो स्नैपडील अगर एग्जांपल लेंगे तो वो प्रॉपर चेक करेगा तभी डिलीवर करेगा, ऐसे उल्टा सीधा डिलीवर नहीं करेगा वरना उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इस वजह से मैंने कट कर दिया, ठीक है। ए ने कोई सामान मंगवाया, ठीक है, वो डिलीवर हो गया किसके पास, सी के पास, रॉन्गफुली डिलीवर हो गया सी के पास, ठीक है। तो मनी और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन, तो अब सी क्या करेगा उस पर, वो तो उसका है, ए का है, ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो वो सी ए को सी ने क्या करा, डिलीवर हो गया, मान लो अब डिलीवर हो गया, डिलीवरी बॉय कह रहा है कि नहीं पैसे तो हमें देने हैं, ये वो, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने चेक नहीं किया, मान लो ऐसा कुछ हो सिचुएशन, ठीक है। तो इन्होंने मनी अगर पे कर दिया है तो वो सिर्फ समझाना इतना है कि अगर इन्होंने मनी पे कर दिया है तो वो इनसे रिकवर कर लेंगे, इनसे ये क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे, सी ए से रिकवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और अगर आपको ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो ये भी बताइएगा, और अगर वीडियो के फॉर्म में आ रहा है कि मैं ऐसे वीडियो में लिख के ऐसे समझा दूं तो बेस्ट है, या फिर इसको लॉ को मैं ऐसे ही बता दूं या जो भी प्रैक्टिकल पढ़ाऊं वो मैं ऐसे पढ़ा दूं, ठीक है। जो भी आपका सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो इट वॉज़ इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।